जागृत हिंदू मंच ने भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी के दीर्घायु एवं शतायु होने की कामना के लिए भोपाल में एक यज्ञ किया, जहां उन्होंने यज्ञ में आहुति देते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में जागृत हिंदू मंच के संरक्षक एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ श्री आडवाणी जी दीर्घायु की कामना पूर्ति के लिए शहर के शीतल दास की बगिया में श्री राम दरबार के समक्ष यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान जागृत हिंदू मंच के संरक्षक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने बताया कि सिंधी समाज के गौरव भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया है, जिसे लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हैं। आज जागृत हिंदू मंच के द्वारा देश के उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर आज उनकी दीर्घायु होने की कामना की, शतायु होने की कामना की, और उन्होंने जो देश को सेवा की उसके उनकी सेवा को देखते हुए विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो भारत रत्न देने का काम किया, निश्चित रूप से ये गौरव बढ़ाने का काम है। माननीय आडवाणी जी ने के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का आंदोलन ने एक मूर्त रूप लिया और आज 550 साल के बाद जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो मन में उत्साह, उमंग और उल्लास है, और उसी को आज हमने यहाँ पे जागृत हिंदू मंच के तत्वदान में शीतलदास की बगिया पर राम जी के प्रांगण में हम लोगों ने माननीय आडवाणी जी की दीर्घायु होने की कामना की, शतायु होने की कामना की। बता दें कि इस मौके पर मंच के संयोजक सुनील जैन एडवोकेट, जागृत हिंदू मंच के सह संयोजक शिव इसरानी, बंसल घनोते, अनिल मोटवानी सहित डॉक्टर उषा गोस्वामी, अमित कुमार, शिवराज, यश कुमार, योगेंद्र सिंह, ग्रामीण आजीविका मिश्रण की प्रदेश महासचिव डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा महिला कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।